इस तरह है कि जो इन्हों का मंग पत्र है वो कंसर्नड जिड़ी भी अथॉरिटी को भेजना है जो सी एम साहब के कोल भेजना और डी साहब ने गल हो गई डी साहब कहते कि वह भिजवा देने खत्म कर रहे कि जो ये दस रहे ने डेफिनेटली तो कोई दो राय नहीं इन्होंने कोरोना के दौरान बड़ा संघर्ष किया मोढ़े ना मोढ़ा लगा एडमिनिस्ट्रेशन चलते रहे तो इन्हों के सदका ही जरा असी कोरोना हरा सकिया पहली वेव और सैकेंड वेव भी हूँ जिम्मे तुम पता तीजी वेव का भी एक सार है हिंदुस्तान तीजी वेव कुछ केस आ चुके हैं ओमिक्रोन के और यो ही वर्कर ने जिन्होंने अगर जाके इन सामना है तो डेफिनेटली मैं निजी तौर पर महसूस करता वा सरकार ने इन्होंने केस में धरती का विचारना चाहिए तो जे कि होर स्टेटों के प्रेजिडेंट का हरियाणा जी जिम्मे दस रहे किया है तो डेफिनेटली मुहास सरकार इन्होंने केस में धरती का बचा देगी तो जो भी इन्होंने जायज मंगा है अच्छी सरकार को फॉरवर्ड करना है मान्य डी साहब के राही अभी मान्य मुख्यमंत्री साहब भेजा तो आस करते इन्हों का मसला जरा हल हो जाए धरना समाप्त हो गया सर धरना समाप्त हो गया धरना चुका गया इतों हाँ जी बिल्कुल इन्होंने वादा किया धरना चुका खुल गया सर साडा मेन अज स्टेट बॉडी का फैसला यही होया वा भी पंजाब दे विच टोटल जिन्ने हाईवे है ना उन्होंने ब्लॉक किया जाए तो अपनी जी आवाज़ का रेगुलाइजेशन लैके सरकार तक पहुँचाई जाए फिर सर असी जो अपना संघर्ष है उन्होंने कंटिन्यू रखांगे जिन्नी देर तक सरकार साडी डिमांड्स पूरिया नहीं करती क्योंकि वीरवार कैबिनेट की मीटिंग हैगी है तो अभी सरकार को यही अपील की है भी साडी मंग नूं मुख रखते हुए सानूं रेगुलर किया जाए जे सरकार नहीं मन्नेगी तो धरना साडा इदां ही जारी रहेगा सर 36,000 तो बड़ी दूर की गल 36 मुलाजम रेगुलर करते हैं इन्नी बड़ी फतेह है वो तो सिर्फ एक लार आई है सानू लॉलीपॉप दिता सानू ये भी दस देना 36,000 आंदा कौन हाँ तो इस तक यह भी नहीं क्लीयर है भी 36,000 मुलाजमान इन्हों के डिपार्टमेंट में लिया वा सानू क्लीयर तो करने जिहड़े मुलाजम कहिंदे असीं रेगुलर हो रहे हैं उन्हां दा भी नोटिफिकेशन नहीं जारी होया अज का जो साडा ये असीं हाईवे माझा कॉलेज के नेड़े असीं हाईवे जाम कर जा रहे हैं स्टेट बॉडी के कहते उन्होंने सदे पर क्योंकि साड़िया मंगा नहीं मनिया जा रही तो असं तकरीबन एक महीना हो गया सानू हड़ताल कर रहे तो असं अज अपना जो नैशनल हाईवे जाम कर जा रहे हैं तुहानू लगता कि हर कर्मचारी जिहड़े आ धरनिया ते अजकल बैठे हुए ने देखो जी ये जो लारे ला रही है सरकार वो सारे नू पता वादे तो बड़े वे वे किए जा रहे हैं हूँ 36,000 मुलाजमान के बोर्ड तुम देखे होने तो बहुत जगह पर लगे हुए हैं पर उन्होंने मैं लगता नहीं है जो किसी को ही पक्का किया गया है तो 36,000 मुलाजमान के NHM कर्मचारियों तो गिनती भी नहीं लिया गया क्योंकि जोड़े कोरोना योद्या का खिताब तो सूँ देता पर जिन्ना चर साढ़े जड़िया काम की सूँ पूरा मुल नहीं मिलता उन्ना चर परिवार का असं गुजारा कि करेंगे सो ये लारे वाली सरकार है मैं लगता नहीं है कि इन लारे च ही रखना चोन जाबता थोड़े चिर लगन वाला है पर असी अपना संघर्ष होर तेज़ करा तो असी मंग भी करते हैं सरकार तो कि जेकर उन्होंने साड़िया मंगा ना मनिया तो असी अपने संघर्ष में होर तिखा करा जी तुम मंग दिता मंग पत्र भी कल MLA साहब थोड़ा की कहना है कि कर रही सरकार है कि सरकार अजे तो फिलहाल जी गोंगलों तो मिट्टी झाड़ रही है सानू तो इदा लग रहा टाइम टपा रही है कि वेला कि चोन जाबता लग जाए तो साडे किते वादे जिहड़े सानू पूरे ना करने पैण क्योंकि आने वाले समय से इन्हों भी लगता कि 5 साल तो ही बथेरी ऐश ऊश कर ली है क्योंकि जो तो मुलाजमान को देने की वारी आँदी है उदों तो इन्हों का खजाना खाली हों वा पर जदों देखीदा कि अपनिया इन्होंने पेंशन वधाउणिया तनखावां वधाउणिया महंगी महंगी गड्डियां खरीदनिया वा उदों इन्हों को पैसा पता नहीं कितों आ जाता है तो इन्हों का खजाना हमेशा